अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो वीलॉग है वो नूरी वाटरफॉल के बारे में है और आज हम जा रहे हैं नूरी वाटरफॉल बरस्ता मारगला हिल्स। ये सबसे अच्छा रास्ता है और इस पर टाइम भी कम लगेगा और रास्ते के नज़ारे इंतहाई खूबसूरत है। तकरीबन 2 से 2.25 घंटे हमें यहाँ से जाते हुए लगेंगे और इसकी जो डिस्टेंस है 51 किलोमीटर होगा और खूबसूरत नज़ारों से भरपूर। और हमारे आज ग्रुप में शामिल है क्रिस, असलम भाई और हजरत साहब और एक ज़िया भाई जो वो कैमरे के पीछे हैं, ये आगे आपको वीडियो में दिखाएंगे। चले अपने सफ़र को शुरू करते हैं, हमारी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आपको कंप्लीट रास्ते में गाइड करते हुए जाएंगे कि कहाँ से आपने टर्न लेना है, कौन कौन से होटल वक्त इस रास्ते में मौजूद हैं और कितना टाइम लगता है। आइए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं फॉलो कीजिएगा। हमारा जो पहला पॉइंट है वो दामने को, हम पहुंच गए दामने को और दामने को भी लोगों की बड़ी तादाद घूमने के लिए आती है। मारगला हिल्स का खूबसूरत हिल स्टेशन है और इससे आगे हम बढ़ेंगे अब मोनाल की तरफ। तो हमारा सफ़र जारी और सारी है और खूबसूरत नज़ारे जो हैं, सुबह सुबह का मंजर है। हम भी वैसे ज़्यादातर जो है ना सुबह उठते नहीं हैं, आज सुबह उठे हैं तो अल्लाह की शान कुदरत के हसीन नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, ये हम पहुंच गए जी मोनाल होटल। लेफ्ट साइड पे लोकल विलेज को गाँव जा रही है, हमने लेफ्ट नहीं जाना, हमने गाड़ी को राइट रखना है और बिल्कुल सीधे जाना है। और होटल का स्टाफ भी सुबह सुबह ड्यूटी पे पहुंच गया और लग नहीं रहा कि सुबह सुबह का टाइम है। और घूमने फिरने के शौकीन अफराद जो है ना वो सुबह सुबह पहुँचे, हम समझ रहे हम भी बड़े तेज़ हैं। पर बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है, मैं आपको इसके साथ साथ इसके ड्रोन शॉट्स भी दिखाऊँगा। जी अब हम पहुंच गए हैं पीर सोहावा और यहाँ खैबर पख्तून का एंट्री गेट है। वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा डिस्ट्रिक्ट हरिपुर गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहाँ से अब हम इंटर हो गए हैं हरिपुर हज़ारा में। जी अब हम पहुंच गए हैं संगड़ा बाज़ार। ये रास्ते में छोटा सा बाज़ार आता है, यहाँ पे छोटे छोटे होटल भी हैं और कुछ जनरल स्टोर भी हैं। इसके लिए आपको अपनी ज़रूरत की कोई चीज़ें चाहिए हो खाने पीने। और इधर एक और जबर सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ अगर आपने नीला बोथो जाना हो और हमारे साइड राइट साइड पे जो ना नीला बोथो है और खारियाँ गाँव है, ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट है और इसके बारे में मशहूर है कि बड़ी माम सरकार ने यहाँ किला काटा था। प्रिडिट रोड पानी के किनारे तक बन गई है, तो अगर आप इस जगह को भी इंजॉय करना चाहते हो तो ये भी जा सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूं, आप वो वीडियो देखिएगा। बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत जगह है, मछलियाँ इतनी खूबसूरत हैं कि मछलियों को देखने के लिए आप नीला पोथो चले जाएंगे। हमने सिर्फ लेने हैं पराठे तो फिर इंशाल्लाह आगे जाके नाश्ता करेंगे। अच्छा अभी इनसे ये भी तो पूछना ना है कि ये बताएं अंडे शंडे लेके आए हैं भाईजान? देसी अंडे आप खिला रहे हैं भाईजान? इन्होंने कहा था कि मैं असील अंडे लेके आऊंगा, तो असील अंडे का आप प्लेट खाएंगे? नहीं नहीं, जो आपको 10,000 रुपए दिया हिसाब किताब पूरा होगा, बिल्कुल हिसाब किताब पूरा होगा। अच्छा ये बात वाजह कर दो, ये कहते हैं जी असील अंडा 500 रुपए का, बताएं जी कौन सा असील अंडा जो 500 रुपए का होता है? मौलवी का बिजनेस करता है, क्या तो बताता, आपको क्या पता है? एसी अनिल सईद को हम इनके दरवाजे पे भेजेंगे, कहेंगे जी इनसे पूछे कौन सा 500 का असील अंडा। ज़िया भाई ने जो ना हजरत साहब से हिसाब तब ले लिया, उस बात को आप बिल्कुल सीरियस नहीं ले, जस्ट फॉर फन। ये अब हम पहुंच गए हैं कोहाला बाज़ार। यहाँ एक अहम बात यह है कि लेफ्ट साइड जो रास्ता है ना ये जबरी या नूरी वाटरफॉल की तरफ जा रहा है और राइट साइड जो रास्ता है ना ये जाता है मरी घोड़ा गली। तो आपने राइट नहीं पहुँच जाना, आप मरी पहुँच गए घोड़ा गली की तरफ। और वापसी पे भी इस चीज़ का ख्याल करना है, वापसी पे जब आएंगे उस टाइम भी
राइट टर्न लेना, लेफ्ट नहीं लेना। तो ये रास्ता मड़ी घोड़ा गली की तरफ जा रहा है और हम जाएंगे लेफ्ट साइड, और ये जा रहा है जबरी नूरी वाटरफॉल की तरफ। अब हम पहुंच गए हैं खास मोड़ पर, लेफ्ट साइड पे है कौन सा विलेज नल्ला, और स्टेट जो रोड जा रही है बिल्कुल सीधे हाथ पे ये जा रही है जबरी विलेज में। अगर आपके पास बाइक है तो आप लेफ़्ट साइड जो रास्ता ऊपर जा रहा है इसका इस्तेमाल करें, ये बड़ा अच्छा और शॉर्टकट रास्ता है, पर बाइक के लिए अच्छा है। अगर आपने जबरी, आपके पास गाड़ी है, तो मैं तो ये प्रेफर करूँगा कि आप जबरी विलेज की तरफ जाएँ। जबरी विलेज के बाज़ार से होते हुए आप नूरी वाटरफॉल तक जाएँ, वहाँ पर गाड़ियों की बड़ी पार्किंग भी अवेलेबल है। और जो लेफ़्ट साइड जो रास्ता है ये है तो शॉर्टकट अच्छा है, पर इसमें थोड़ी चढ़ाइयाँ हैं, और बाइक के लिए तो बड़ा ज़बरदस्त है, और मगर गाड़ी जब आप वापस लाएंगे आपको थोड़ी दिक्कत होगी। तो हम जा रहे हैं जबरी विलेज की तरफ। जी अब हम पहुंच गए हैं जबरी ब्रिज पर, और ये जबरी ब्रिज जो है वह जबरी गांव से पहले आता है, और हमसे पहले भी लोग यहाँ ना नूरी वाटरफॉल के लिए पहुंचे हुए हैं बाइक्स पे। ये अब हम पहुंच गए हैं जबरी गांव, और अगर आपने फ्यूल डलवाना है तो छोटा सा पेट्रोल पंप भी मौजूद है, फ्यूल भी डलवा सकते हैं, और एक बाज़ार भी है, खाने पीने की अशिया भी ले सकते हैं, स्नैक्स ले सकते हैं, होटल भी हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी ले सकते हैं, और कराची बिरयानी सेंटर भी है भाई, भूख लगे तो बिरयानी भी अवेलेबल है। अगर पैसे नहीं है तो ATM भी कैश कर सकते हैं, सामने नेशनल बैंक का ATM भी मौजूद है। अब बल्कि हमारे भाई ने कहा भाई सर अपने वास्ते पराठे भी चाह किनो जी, असी फिर पराठे किनन लगे हैं जी इतने ते जबरी ग्राम विच गड़ी गड़ी जाई चलाओ। ठीक है ठीक है, चाह कितने किनो? कितने? पांच बंदे आठ हो। जी अब हम मेन रोड से जना वो लेफ़्ट साइड जाना था, हमने आगे से गाड़ी टर्न ली है, और टर्न लेके हम अब जा रहे हैं राइट साइड। ये अब हम नीचे जा रहे हैं नूरी वाटरफॉल की तरफ, ये नीचे गांव से नीचे रास्ता उतरता है, यहाँ लिखा है विलेज काउंसिल जबरी, खुश आमदीद विलेज काउंसिल जबरी नगरी बरी माम सरकार। इधर से हमने, अगर आप मरगला हिल्स की तरफ से आ रहे हैं तो इधर से आपने लेफ़्ट लेना है, तो लेफ़्ट गाड़ी टर्न करनी मुश्किल थी, मैंने आगे जाकर से लेके यू टर्न की है, और अब ये नीचे जा रहे हैं। रोड थोड़ी सी तंग है बट इतनी मुश्किल नहीं है, आप इजीली जा सकते हैं, गाड़ी आराम से जा रही है, तो ऐसा ऐसा इंशाल्लाह हम अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हैं। जी हम पहुंच गए हैं टियाल सैदा। टियाल सैदा की खास बात यह है कि आपको पहले एक शॉप नजर आएगी, यहाँ आपको लाइफ सेविंग जैकेट्स मिलेंगी। यहाँ की अच्छी बात यह है कि आगे आपको जैकेट थोड़ी मिलेंगी महंगी, तो ये हमारे जो भाई हैं इन्होंने 50 रुपये रेट रखा है जैकेट का, आप यहीं से ले जाएं, अगर आपके पास गाड़ी है बाइक है अपने साथ ले लें, और सिर्फ ये 50 रुपये चार्ज करें, बड़े मुनासिब इनका रेट है, आगे आपको थोड़ी महंगी पर घंटा के हिसाब से देते हैं। भाजी यही रेट है आपका 50,000 रुपये? बहुत शुक्रिया, एक मुझे भी देना 50,000 ही 50 रुपये, एक जैकेट मुझे भी दे दें, थोड़ी बड़ी दीजिएगा, थोड़ी बड़ी जो मेरी सेहत के हिसाब से पूरी आ जाए। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। जी हम पहुंच गए हैं नूरी वाटरफॉल की जो पार्किंग है ना उसके पास पहुंच गए हैं, ये हम गाड़ी पार्क करने लगे हैं। तो जब हम ऊपर से आए जबरी गांव से आए तो हमारे उल्टे हाथ पे जैकेट्स लेने के बाद ना दो पार्किंग आई थी, उन दोनों पार्किंग को हमने मिस किया है, और सबसे जो आखिरी वाली पार्किंग है ना थर्ड, ये कम से कम चलना पड़े उस पार्किंग में हम आ गए, ताकि थोड़ा कम चलना पड़े। ये तीसरी पार्किंग है, मेरे ख्याल अभी हम भाई से पूछते हैं वो 100 रुपये शायद चार्जेज हैं, 200 रुपये बल्कि गाड़ी के 200 रुपये चार्जेज होंगे और बाइक के 100 रुपये चार्जेज हैं, तो गाड़ी यहाँ पार्क कर देते हैं और इंशाल्लाह फिर हमारा पैदल सफ़र शुरू है। जी हम अपनी गाड़ी को पार्क करके वॉक करते हुए नीचे आ गए हैं, और तो ये दराए हारो है हमारे राइट साइड पे, और ये पीछे जो है ना एक शॉप है, यहाँ पे आपको जैकेट मिलेंगी, चप्पल मिलेंगी, और अपना अगर आप कीमती सामान जमा कराना चाहते हैं ना अगर, तो वो ये कीमती सामान भी आप यहाँ जमा करा के जा सकते हैं। अब्बासी साहब की ये शॉप है, ये दराए हारो है, अभी हम इसको क्रॉस करेंगे। ये जी दरिया हारो है, इसका पानी बड़ा तेज़ है, इसके अंदर से हम सारे दोस्त गुजर रहे हैं, पानी बड़ा ही ठंडा है, मगर ऐसा ऐसा चले, पानी की लहरें बड़ी तेज़ हैं, स्पीड बड़ी है पानी की, पर साफ शफाफ ठंडा पानी है, और ऐसा ऐसा चलेंगे इंशाल्लाह गुजर जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है, स्पीडें मारने की कोई ज़रूरत नहीं है।
फैक्ट्री वाटरफॉल, ये पीछे मेरे आपको ब्यूटी वाटरफॉल नज़र आ रही है, खूबसूरत वाटरफॉल आपका इंतज़ार कर रही है। और आपको मेरे राइट साइड पे एक शॉप भी दिखाई दे रही है, इस शॉप पे आपको लाइफ सेविंग जैकेट्स मिलेंगी, इसके बगैर बिल्कुल ना जाइएगा पानी के अंदर, पानी आगे जाके गहरा है, आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। हमेशा यहाँ के मुकामी अफराद भी आपको हमेशा इससे खबरदार करते हैं कि लाइफ सेविंग जैकेट लेके जाएं। इस वाटरफॉल की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये जो वाटरफॉल है नूरी वाटरफॉल चारों तरफ पहाड़ के अंदर गिरी हुई है, और ऐसे लग रहा है दूध की एक जो नहर है वो नीचे गिर रही है, और इसका जो पानी है लश ग्रीन है। इतने ज़्यादा टाइम से लोग यहाँ स्विमिंग कर रहे हैं, इसके बावजूद जो पानी का कलर ग्रीन कलर है वो चेंज नहीं हुआ। ये हजरत साहब जो है ना हमारे लिए स्पेशल हजरत नाश्ता बनाकर लाए हैं, आमलेट बनाकर लाए हैं, चाय दूध पत्ती स्पेशल अपने हाथों से, और स्पेशल बाड़े से ताज़ा दूध लेकर, और पराठे हमने बाजार से लिए, अभी हम नाश्ता कर रहे हैं, और हमारे लिए पुलाव भी बनाकर आए, वो हम दोपहर को करेंगे। जी हमारे साथ एक भाई मौजूद है, ये जो कश्ती की सर्विस जो है ना वो मुहैया कर रहे हैं लोगों के लिए, उनसे पूछते हैं कितने चार्जेस लेते हैं। अब बताइएगा कितने चार्जेस लेते हैं यहाँ पे जो कश्ती में अभी सवार होकर हम चार तक जाते हैं? भाई साहब दो बंदों का 300 रुपया हम लेते हैं, सारा इंजॉय करा के लाते हैं 10-15-20 मिनट। तो आपको कुछ अंदाज़ा है कि कितनी गहराई है पानी की जिसकी वजह से आप ये कश्ती इस्तेमाल करते हैं? ये जहाँ पे अबशार की है तो अबशार की गहराई तकरीबन है 25-30 फुट, पर पीछे काम नहीं है। तो ये थोड़ा ये बताइएगा कि संडे वाले दिन या बाकी दिनों में कितने लोग यहाँ घूमने फिरने के लिए गर्मी के सीजन में आ जाते हैं? ये जुम्मा हफ्ता इतवार तो बहुत ज़्यादा रश होती है, वैसे ही आम दिनों में काम ही लोग आपको। मैं तो रहता हूँ, असल मैं बनिगाला से आया हूँ, तब हम दोस्त एक साथ हैं, तो हमें से नूरी वर्डफर मैं सुना, नाम शाम सुना था, कज़न और दोस्त वगैरह आते ना यहाँ पे, तो मैं पहली दफ़ा मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, पहले क्लिफ ड्राइविंग स्टार्ट किए मीडियम लेवल से, फिर हाई पे गए, फिर हम उधर आगे भी गए थे ब्लैक साइड पे, ब्लैक वाटर पे। अच्छा सर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जो है ना इतने पानी में फर्स्ट टाइम मतलब गया हूँ, और आप यकीन करेंगे कि स्विमिंग पूल में भी मैं गया हूँ, लेकिन वहाँ पे बंदा इंजॉय इस तरह नहीं करता, इतना नहीं सीखता जितना यहाँ पे बंदा इंसान सीख सकता है। तो माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली हमारे चैनल के बी फिल्म पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, और आप समझते हैं कि आपके इलाके में इस तरह की कोई खूबसूरत आबशार या सियाहती मकामात है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में हमें आगाह करें, हम कोशिश करेंगे वहाँ जाकर भी खूबसूरत वीडियोज़ बनाएँ।